पीवीआर भी इंस्टॉल करने के लिए आपने अपनी सेटिंग में जाना है और अबाउट फोर में चले जाना है। यहाँ से ऊपर आप देख रहे हैं वर्जन लिखा हुआ है। वर्जन में जाने के बाद आपने बिल्ड नंबर पे 7 टाइम्स से क्लिक करना है। अगर आपका कोई पासवर्ड लगा होगा तो आपने वो लिख देना है। उसके बाद बैक जाना है 2 बार और यहाँ पे आपने एडिशनल सेटिंग में जाना है। यहाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे आपने अपने डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है और यूएसबी डेबगिंग को इनेबल कर देना है। उसके बाद आपने अपना पीसी से कनेक्ट कर लेना है मोबाइल, और पीपीआर भी आपको मेरे लिंक में मिल जाएगी, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है और उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने पीपीआरबी का फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे एक फ्लैश नाम की फाइल है, इसे आपने ओपन कर देना है। ध्यान रखना आपका मोबाइल कनेक्टेड हो सही से, तो ये उसी वक्त फ्लैश हो जाएगा कम से कम 5 सेकंड के अंदर और आपका ऑटोमेटिक रीबूट हो जाएगा पीपीआरबी रिकवरी के अंदर। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है।